तो फिर हेलो मेरे भाइयों और तुम्हारी पड़ोस वाली भाभियों, कैसे हो आप सभी लोग। तो भाई लोग एक बार फिर आ चुके हैं पाद मारो गेम प्ले में और फाइनली यहाँ पर अपना कॉन्कर लग चुका है। तो भाई देखो, अपन को कॉन्कर लगाने के लिए 82 मैच लगे थे। गोल्ड 2 से मैंने स्टार्ट किया था, ये अपना सेकंड आईडी था इस सीजन का। देन भाई एंड तक इस गेम प्ले को जरूर देखना और अपने किल देखना। अब भाई देखो, इसी के साथ उतरा हूँ स्क्वाड हाउस में और भाई उतरते अपन को गन भी मिल जाती है, रिकॉलर भी मिल जाता है और एक बंदा भी मिल जाता है जिसका आता है अपने पे पुश। और भाई यहाँ पर अपन करते हैं होल्ड, तभी अब भाई इस बंदे का मैंने वक्त जज्बा सब कुछ बदल दिया। इसी के साथ देखो भाई, यहाँ पर सिंपल सम बंदे ढूंढने के लिए यहाँ पर आता हूँ। बाकी भाई यहाँ पर एक बोट आता है, भाई बोट को मारने में मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की लेकिन भाई अपनी कोशिश सारी नाकाम रहती है। अब भाई देखो, इस बोट का तो अपन को किल मिलता है नहीं, लेकिन जस्ट अपने पास वाले 3 स्टोरी में बंदा था। अब भाई देखो, इस पे मैं बहुत सारे नीड ट्राई करता हूँ लेकिन बंदा हर एक नीड से बच रहा था, लेकिन यहाँ पर अपन ने एक दिमाग लगाया था। अब देखो 3 स्टोरी वाले को कैसे मारता हूँ। यहाँ पर एक नीड फेंका, 2 नीड फेंके थे, कुछ नहीं हुआ। बाकी भाई यहाँ पर करता हूँ मैं मोली, जैसी मोली करता हूँ मोली से बंदा जलता है और जैसे जलता है ऊपर भागता है और भाई मेरे को उसके पैर दिख जाते हैं। देन इजी तरीके से इसको मार देते हैं। अब भाई देखो, इसी के साथ इस बंदे को तो मार लेता हूँ लेकिन ये बंदा किसी के साथ फाइट ले रहा था, अब वो भी बंदा जिंदा था। देन भाई वो उस बंदे की मैं पोजीशन चेक करता हूँ, बंदा तो मेरे को मिलता नहीं, तभी साउंड आता है आगे वाले कंपाउंड से। अब भाई देखो, इस बंदे का मैं पीछा किए जा रहा हूँ लेकिन ये बंदा मेरे को भगाया जा रहा है। अब मैं यहाँ पर एक दो नीड करता हूँ लेकिन जैसे ही मैं नीड करता हूँ बंदा जंप करके दूसरे वाले कंपाउंड में चला जाता है। एंड द एंड इस बंदे को तो अपन आगे जाके मारेंगे ही मारेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखो क्या होता है। तो भाई जैसे बंदे को मारने जाता हूँ बोट का साउंड आता है, बोट को इजी तरीके से मार लेता हूँ, लेकिन बंदा यहाँ पर जो सामने वाले कंपाउंड में चला गया था। देन भाई मैं भी जाता हूँ उस बंदे को मारने के लिए और भाई बस ये सामने वाले कंपाउंड में होता है बंदा और बस यहाँ पर देखो। तो भाई इसी के साथ ये बंदा अपन को ऑलमोस्ट मार चुका था, अगर मेरे पास बूस्टर नहीं होता तो 100% यहाँ पे मर जाता। अब भाई उसके बाद फिर से मेरे को 3 स्टोरी में कुछ साउंड आता है, देन स्क्वाड हाउस में आता हूँ और भाई इस बंदे पे मैं इतने नीड करता हूँ कि बंदा नीड से तो मरता ही नहीं, नीड मोली की बारिश कर देता हूँ। बंदे की किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अब भाई देखो, इसके साथ मैं फाइट ले रहा था ना, तभी मेरे को एक साउंड आता है नीचे से और भाई मेरे पे एक बंदा करता है पुश और इस बंदे को देखना कि अपन कितना गंदा मारते हैं। तो भाई इस बंदे का तो यहाँ पर मैंने वक्त जज्बा सब कुछ बदल दिया और इजी तरीके से इसको मार दिया। बट भाई यहाँ पर जो 3 स्टोरी में बंदा था वो अब भी जिंदा था। देन इसको उसके छत पे चढ़ता हूँ और भाई इस पर करेंगे अपन गोलों की बारिश, लेकिन बंदे की किस्मत देखना कि किस लेवल पे थी। अब भाई देखो, यहाँ पर सबसे पहले मौली वॉली फेंकता हूँ और बस देखो कि इस बंदे के साथ अपन क्या सीन करते हैं। तो भाई आपने खुद ने देखा कि उस बंदे में मैंने कितने नीड मोली कर दिए लेकिन वो बंदा तो मरता नहीं। तभी एक और बंदे का मेरे को साउंड सुनाई देता है। तो भाई इसी के साथ इस बंदे का तो इसी तरीके से मार देता हूँ, तभी क्या सीन होता है कि मेरे को पीछे से साउंड आता है। अब सामने वाले 2 बंदे आपस में फाइट कर रहे थे जिसमें से एक बंदा मर चुका था और एक बंदा बचा था। इसी के साथ तुम्हारे भाई का यहाँ पर बस नेड देखो।
अब भाई इसको मारने के बाद में सीन क्या होता है कि नेक जोन भी आ चुका था और अपना रिकॉलर भी खत्म होने वाला था। देन यहाँ पर मैं प्रीफर करता हूँ जोन में जाना। देन यहाँ पर निकल जाते हैं अपन जोन के लिए। अब भाई यहाँ पर जोन में निकलते निकलते मैं बंदे भी देखने का ट्राई कर रहा था कि काश कोई ना कोई तो बंदा दिख जाए जोन में जाते हुए, लेकिन अपन को बंदा तो कोई भी नहीं दिखता। और भाई यहाँ पर अपन आ जाते जोन के सेंटर में। अब भाई सामने वाले कंपाउंड में जाता हूँ और इस वाले कंपाउंड में जो ही बंदे होते हैं ना वो यहाँ पर बस देखो क्या सीन होता है। तो भाई ये बंदा ऑफलाइन था, पता नहीं क्या कर रहा था। देन इसको इजी तरीके से मारता हूँ, लेकिन अभी भी बंदे यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी जस्ट मेरे नीचे वाले कंपाउंड में बंदा होता है, लेकिन यहाँ पर देखो क्या सीन होता है। अब भाई इसको तो यहाँ पर मैं मार देता हूँ, लेकिन यहाँ पर एक और भाई बंदा है। भाई देख रहे हो इस क्लास में और भी आगे बहुत सारे बंदे आने वाले। देन भाई देखो उस बंदे को मारने के लिए यहाँ पर मैं सबसे पहले मॉली वॉली फेंकूंगा, लेकिन भाई यहाँ पर अपना एक भी मॉली काम में नहीं आता। बट भाई इसको देखना कि अपन एंड में कैसे मारते। अब भाई सबसे पहले ना मैं इस बंदे को भगा रहा था, उसको थोड़ा सा मतलब कि ऐसा दिलासा दे रहा था कि मैं सिर्फ मॉली कूक कर रहा हूँ, फेंकूंगा नहीं। और भाई देखा एंड में अपन उसको ऐसा फंसाने वाले नेक्स्ट लेवल। सबसे पहले मॉली कूक किया, यहाँ पर मेरे को लगा कि पुश करेगा, पुश नहीं करता है। देन मॉली फेंकता हूँ। अब भाई एक मॉली यहाँ पर फेंकी, दूसरे इस वाले कमर में फेंक दी, बंदा फंस चुका था। देन अब जाता हूँ उस बंदे पे मैं पुश करने। तो भाई इसी के साथ इस बंदे को तो यहाँ पर मार देता हूँ, लेकिन सामने वाले कंपाउंड में एक और बंदा आ जाता है। अब भाई देख रहे हो यहाँ पर कितने बंदे आ रहे थे, बिकॉज यहाँ पर ये सेंटर था। अब भाई देखना इस बंदे पे मैं कितने नीड मॉली फेंकूंगा। सबसे पहले उस पर मैं स्मोक करता हूँ ताकि उसका व्यू ब्लॉक हो जाए, और स्मोक करने के बाद मैं सीधा करता हूँ इस बंदे पे पुश, बिकॉज नेक जोन उस बंदे पे था। अब भाई देखो इस पर पुश करने के लिए यहाँ पर जाता हूँ, और भाई यहाँ पर देखना कि कितने नीड फेंकता हूँ बंदे की। भाई क्या ही किस्मत होती है भाई इतने नीड में, तो मैं इतने तो क्या भाई मैं एक नीड में मर जाता हूँ, लेकिन ये बंदा नहीं मरता है तो नहीं मरता है। इस बंदे पे मैं कितने नीड मॉली फेंक रहा हूँ भाई, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। पता नहीं कौन सा आटा खा के पैदा हुआ है साला। तो भाई देखो इस वीडियो में बस इतना ही। मेक श्योर कि आपने इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर कर रखा हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी भाई एंड में देखना कि अपन यहाँ पर कैसे मरते हैं।